अरे ये सब क्या हो रहा है यार? अरे कोई जीके कंस्ट्रक्शन कंपनी की सेक्रेटरी है, काम का छोड़ के धरने पर बैठी है। जरा भी अकल है तुम्हें? ऑफिस टाइम में ये सब क्या है? मेरे ऑफिस टाइम को ऐसे बेकार कामों के लिए इस्तेमाल करोगी? तुम इस कंपनी के मालिक हो जो अपनी मर्जी से आ जाया करोगी? आफ्टर ऑल एक सेक्रेटरी हो, अपनी लिमिट्स में रहना सीखो। तुम अनुराधा बनकर कोई भी सोशल सर्विस करो, तुम्हारी मर्जी। जीके की सेक्रेटरी बनकर तुम्हारी सर्विस सिर्फ इस कंपनी के लिए होनी चाहिए। कल अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो जीके की सेक्रेटरी ने ऐसा किया, जीके की सेक्रेटरी ने वैसा किया कहेंगे, लेकिन किसी अनुराधा को कोई नहीं पहचानेगा। अनु, मेरे गुडविल का सही सही इस्तेमाल करो, और उसका गलत इस्तेमाल करोगी तो नौकरी से निकाल दूंगा। तेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है, उसने शादी से पहले ही सैंपल दिखा दिया। तुम इस कंपनी के मालिक हो जो अपनी मर्जी से आ जाया करोगे? आफ्टर ऑल एक सेक्रेटरी हो, अपनी लिमिट्स में रहना सीखो। तेरे बॉस का? नहीं नहीं, तेरे लवर। तो नौकरी से निकाल दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। ये अकड़? सेल्फ रिस्पेक्ट। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बॉस ने गुस्से में दो बातें कह दी है, सोच के भूल जाना चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इतना सब्र नहीं है मुझ में। हाँ, पहले सब्र होने के लिए अपने बॉस पे अभिमान भी होना चाहिए। पहले सबको अपने आप पर अभिमान होना चाहिए। जिस जगह पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहां मैं नौकरी नहीं करूंगी। कौन देगा तुम्हें इतनी सैलरी, स्टेटस और रिस्पेक्ट? ये सब मुझे यूं ही नहीं दिया, मेरी अकलमंदी को इस्तेमाल किया है इसलिए दिया है। मेरी तरह मेहनत करने वाली सेक्रेटरी आपको मिलना बहुत मुश्किल है, पर मेरे लिए तो कोई भी बॉस आपसे बेहतर होगा। सॉरी अनु, सबके सामने मैंने तुम्हें डांटा, मुझे माफ कर दो, नौकरी मत छोड़ो। हा? तुम जाओगी तो मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। ऐसा सब कह के तुम्हारा हाथ पकड़ के विनती करूं? नेवर। जोश में आके फैसला तुमने किया है तो बाद में पछताने वाले भी तुम ही होगी। गुस्से में सबके सामने मुझे डांटा, इसके लिए अब बाद में पछताएंगे। मेरी जिस सोशल सर्विस की वजह से प्रभावित होकर मुझे नौकरी दी थी वही आज आपको अच्छी नहीं लगती? आपकी खातिर मैं खुद को नहीं बदल सकती। कटिंग यानी खिंचाई। इस लेटर को मैं एक महीने की नोटिस समझ के रखता हूँ। बाद में अपना फैसला बदल कर तुम जॉब कंटिन्यू करोगी तो इस इस्तीफे को हम दोनों हमेशा के लिए भूल जाएंगे, नहीं तो अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट को भूल जाओ। मेरा फैसला अटल है, एक महीने में आप ही सॉरी बोलकर मुझे जाने से रोकेंगे, ये चैलेंज है। देखते हैं। गांधी साहब, नई सेक्रेटरी के लिए पेपर में ऐड दे दीजिए। पिछली जनवरी में तूने कहा था कि नवग्रह मेरे पक्ष में, तब उस जीके की एंट्री हो गई, मेरे कॉन्ट्रैक्ट सब उसके पक्ष में चले गए। वो तो शुक्र ने आपकी परीक्षा ली जजमान। तूने कहा अप्रैल तक सब्र कीजिए, ग्रहों की अनुग्रह से उसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ। लेकिन मेरा ही बिजनेस तमाम हो गया। वो तो शनि की परीक्षा थी जजमान, आप थोड़ा धीरज रखें। लास्ट एंड फाइनल। हाँ। अगस्त तक रुक जाइए कहा, वो मलेशिया का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके आ गया। ये तो पूरे नवग्रह ने मिलकर आपका फाइनल टेस्ट किया है। अब मैं पूरी जिंदगी टेस्ट देता रहूंगा तो मैं बेस्ट कब बनूंगा? आप परीक्षा देते जाइए, जी के पास होता जाएगा। नहीं, आप पास होते जाएंगे जजमान। बात तूने बिल्कुल सच कही थी। वो क्या है जजमान? यही कि झूठ बोलने से आंखें चली जाएंगी। जी हाँ, आज सचमुच तेरी आंखें चली जाएंगी। जजमान, अब समझ में आ गया, वो एक ही है जो जी के में है, आप में नहीं। वो क्या? नारीबल। नारीबल? उस जी के की शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो गई है तो मेरे पास नारीबल है। आपके पास जो नारी है वो बल नहीं है, बल ही नारी है। उसका नारी बल तो उसका दफ्तर में ही है, समझ लीजिए। आप भी उसकी तरह एक सुंदर कन्या को सेक्रेटरी बनाए तो फट से आपकी तकदीर के सितारे चमक उठेंगे। एक कुंडली की औलाद, अपने आप को बचाने के लिए मेरे सौतन नानी की सलाह देते हो? अकल नहीं है तुम्हें? ए जीजा जी, जीके ने पेपर में ऐड दिया है कि उसे नई सेक्रेटरी चाहिए। देख लिया, अगर मैंने झूठ बोला होता तो मेरी आंखें चली गई होती। आपका नसीब पलट गया है, इसलिए जो सेक्रेटरी थी उसे निकाल कर वो नई सेक्रेटरी ढूंढ रहा है। नहीं जीजा जी, पुरानी सेक्रेटरी को निकाले बिना ही नई सेक्रेटरी ढूंढ रहा है। अब भी तू जो कह रहा है वो झूठ ही तो है,
तेरी आंखें जरूर जानी चाहिए। अलो साले जी, सलाखें गरम करके ला। अभी लाया जजमान। चुप, बंद कर जजमान, मेरी आंखें मत फोड़िए। ओके, जान ले लेता हूँ। जान जाएगी तो आंखें किस काम की, इसीलिए तो फोड़ रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आखिरी बार देख लो, देख लिया मेरा पावर, मेरी आंखों को तुम सब मिलकर फोड़ना चाहते थे ना, भगवान का खेल देखा। भविष्य जाने के लिए तुम्हारी हाथों में रेखाएं तो है नहीं, सबकी सब तो खींच गई इसमें। देख अनु, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने बॉस को अच्छे मूड में देखकर, आई एम सॉरी सर, जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। मेरे इस्तीफे को फाड़ दीजिए, कह देना। हरगिज नहीं कहूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर कह दिया तो वो सोचेंगे मैंने गलती मान ली। तेरा बॉस तुझे बहुत पसंद करता है, इसीलिए तेरे रिजाइन करने के बाद भी कंपनी बायलॉ वगैरह वगैरह कहकर तुझे एक महीने तक ऑफिस में रहने के लिए कहा। ऐसा नहीं है कि तेरे रिजाइन करने के बाद उसे नई सेक्रेटरी नहीं मिलेगी। मेरी जगह पर जो भी आएगी उनके हेडवेट की वजह से दो दिन भी काम नहीं कर पाएगी। तू नहीं जानती उनके बारे में, हम भला करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन गलती की तो जिंदगी भर याद रख के टोकते रहेंगे। दैट इज माई बॉस जीके, जी यानी घमंड, के यानी खड़ूस। बाय। वाह क्या कटिंग है। गांधी साहब। सर। आप मेरे लीगल एडवाइजर होके कितने साल हो गए हैं? पूरे 3 साल हो गए हैं सर। सुनील। हाँ। तो कितनी साल की उम्र से मेरे साथ है? जब आप चड्डी पहन के घूमते थे तब मैं वो भी नहीं पहनता था तब से। क्यों? कुछ नहीं, मुझ में अकड़ है, मेरे साथ 2 दिन से ज्यादा कोई काम ही नहीं कर सकता है ना, इसलिए शक हुआ कि तुम दोनों इतने सालों से मेरे साथ काम कैसे कर रहे हो। वैसे मेरा नाम जीके है, जी यानी घमंड, के यानी खड़ूस। आपके बारे में ऐसा किसने कहा, मैं अभी उसका मुंह तोड़ देता हूँ। अरे अरे जोश में मत आओ, ऐसा कहने वालों में कटिंग ज्यादा है। हा? क्या ज्यादा है? कटिंग। लेकिन आपको ऐसा किसने कहा सर? हा? किसी फ्रेंड ने कहा। हा? आपको ऐसी कटिंग देने वाला फ्रेंड कौन है जिसे मैं नहीं जानता? अनु, अनु जरा इधर आना, मुझे फॉरेन एक्सप्रेस से रियल एस्टेट के कटिंग चाहिए। ओके सर। एक और कटिंग, क्रॉनिकल का भी लाना। यस सर। एक और कटिंग, उसी दिन के टाइम्स का भी एक कटिंग ले आना। तुम फॉरेन जाकर ये सब कटिंग्स लाकर मेरे टेबल पर रख देना। हाय, तुम ये नौकरी क्यों छोड़ रही हो? वो ये नागार्जुन सागर जानता है। क्यों छोड़ रही हूँ? जीके को सेक्रेटरी को उंगली करने की आदत है, उसकी इस आदत को तुमने ओके नहीं किया, इसलिए उसने तुम्हें बाहर किया। Am I right? दया करके आप जाएंगे? मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, इसलिए तुम आके मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी। जीके तुम्हें फ्लैट देता है तो मैं स्टार होटल दूंगा, जीके तुम्हें गाड़ी देता है मैं तुम्हें सारा फ्लाइट दूंगा, जीके चलेगा तो मैं दौड़ूंगा, जीके हंसेगा तो मैं रो दूंगा, जीके टेबल पर से कूदेगा तो मैं छत से नीचे कूदूंगा। वो काम कर, तुम्हारे तो हम खुश। अरे बाप रे, ये कब आया? हेलो अनु, क्या कर रही हो? आपने जो पेपर कटिंग्स मांगी थी वो कट कर रही हूँ। उनके साथ अपना नोज कटिंग भी कर लेना, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। आज शाम को ताज इंटरनेशनल में पार्टी है, सेक्रेटरी को भी साथ में लाने को कहा था, मैंने मना किया था, कहा कि फ्रेंड के साथ आऊंगा। अच्छा है, बेशक जाइए। वो तुम ही हो, मैं घमंड और अकड़ के साथ आऊंगा। तुम 16 सिंगार करके ग्लैमर के साथ आना। सिंगार, देखते रहिए मैं कैसे फंसाती हूँ। न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरने का इन्विटेशन आया है। हम हमेशा बड़े बड़े कंपनी से 50 करोड़ 60 करोड़ का सब कॉन्ट्रैक्ट लेते आए हैं, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम इन माय बिजनेस मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खुद एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। इसमें रिस्क है सर, उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अपने छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यही हमारे ब्रेड एंड बटर है। उसी ब्रेड के लिए आज तक मेहनत करता रहा, जरूरत से ज्यादा कमा भी लिया, अब मुझे चाहिए वर्क सेटिस्फेक्शन। जीके कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए, उसके लिए कोई भी रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ। डे एंड नाइट काम करने के लिए आप लोग भी तैयार रहना, सुबह सारे आंकड़े दे दूंगा, आप लोग पेपर वर्क शुरू कीजिए, गेट गोइंग। अनु, गेट अप, सारे डिटेल्स कंप्यूटर में देख लेना। ओके ओके सर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आज क्या प्रोग्राम है? नए सेक्रेटरी के लिए पेपर में ऐड दिया था ना सर, वो आए हैं। मैं नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं कहोगी ना? वन बाय वन सबको अंदर भेजो। अब भी नहीं कहेंगे कि मत जाओ नू। ओके सर। हेलो सर। हेलो सर। ओ हेलो। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अब समझ में आया कि तुम्हें अपने आप पर इतना गुरूर क्यों है। जिंदगी में कुछ हासिल करने के एम्बिशन रखने वाले और तुम्हारी तरह अच्छी क्वालिटी वाले कम हैं। मेरे जैसे तो आपको पसंद नहीं ना। मुझे ऐसी सेक्रेटरी आपको नहीं मिलेगी सर। सर देर से ही सही एक और कैंडिडेट आई है, बुलाऊं? एज क्या है, 81 तो नहीं? जस्ट रिवर्स, 18। तो फिर भेज दीजिए। ठीक है सर। हेलो, दिस इज अनुराधा, माय टेंपरेरी सेक्रेटरी। हाय। हाय। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ सर। आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, तब से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रियली इंटरेस्टिंग। आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की थी 2005 अप्रैल 30th को। आपको 2006 में बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड मिला था सर। आपका फर्स्ट इंटरव्यू टाइम मैगजीन के 2006 जनवरी इशू में आया था। कवर पेज पर आपका जो फोटो आया था वो अब भी मेरे पास है सर। अब तक 22 कॉन्ट्रैक्ट टेकअप किए हैं, 16 कम्प्लीट है, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्टिंग में अभिषेक बच्चन, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी, बिजनेस में जीके, आप तीनों की मैं पागल दीवानी हूँ सर। अच्छा? मुझे ये जॉब मिले या ना मिले कोई बात नहीं, आपके साथ 5 मिनट बात कर सकती हूँ यही सोचकर इस इंटरव्यू के लिए आई हूँ। श्रुति, तुम्हें इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट न करने के मेरे पास कोई वजह नहीं है, फिर भी सोशल सर्विस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हम सोशली तो रह सकते हैं लेकिन सर्विस वगैरह टाइम वेस्ट है। क्या जवाब है, मेरा ओपिनियन भी यही है। अनु, अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू जॉइन इमीडिएटली। ओके,